सूरदास जी कहते हैं कि आंचल से ढक करके, सूरदास जी कहते हैं आंचल से ढक करके प्रभु को दूध पिलावती, भगवान माता जो है माता यशोदा प्रभु को दूध पिलाने लग जाती है, मतलब भगवान कृष्ण को दूध पिलाने लग जाती है। ठीक, अब इसके बाद में देखिए, मैं अपनी सब गाय चरण, कहते हैं कि मैं अपनी मैं अपनी सब गाय चरण हूँ, मैं अपनी सब गाय चरण। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो हैं अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए जाऊंगा, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जेहूं, प्रात होत मतलब प्रात माने होता है, प्रात मीन्स क्या होता है, प्रात मीन्स होता है सवेरा। ठीक है, सवेरा होते ही प्रात होत बल के संग जेहूं, बल माने बलराम, बल मीन्स क्या होता है बलराम। तो प्रात होत सवेरा होते ही मैं बलराम के संग जाऊंगा, मैं बलराम के संग जेहूं मतलब जाऊंगा, बलराम के संग जाऊंगा तेरे कहने आयो, तेरे कहने से मैं तेरे कहे न रहूं और तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। ठीक, ग्वाल ग्वाल गायन के भीतर कहूं डर नहीं लाग, ने कहूं डर नहीं लागत, कहते हैं ग्वाल वालों मतलब ग्वाल वाल के साथ में और गायों के भी साथ में रह करके मुझे डर कुछ में मुझे कुछ भी डर नहीं लगता है। लिखा है ग्वाल ग्वाल गायन के भीतर, ग्वाल वाल और गांव के साथ में रह करके, ग्वाल वालों और गांवों के साथ में रह करके नेकहु डर नहीं लागत, मुझे जरा भी डर नहीं लगता है, मुझे जरा भी डर नहीं लगता है। ग्वाल आज ना सोवो नंद दुहाई रहनी रहूंगी जात, कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी माता से कहते हैं, क्या कहते हैं, आज ना रहूं, आज ना सोवो नंद दुहाई, मुझे नंद दुहाई मतलब मुझे नंद बाबा की कसम है कि आज रात को मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा। जब भगवान कृष्ण जब कोई बात बच्चों की मनानी होती है ना, तो बच्चे ये कहते हैं कि हम सवेरे शायद सो जाएंगे तो माता हमको कहीं भेजेगी नहीं, बाहर कहीं जाना होता है भेजेगी नहीं, तो क्या करते हैं बच्चे कहते हैं सारी रात हम सोएंगे ही नहीं। वही हाल है भगवान कृष्ण का, क्योंकि बाल दशा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो वो भगवान कृष्ण यशोदा माता को कहते हैं कि आज रहेंगे, आज न सोऊं नंद दुहाई, आज मुझे नंद बाबा की कसम है कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा, रह नहीं रहूंगे जागत और पूरी रात मैं जागता रहूंगा, पूरी रात मैं जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हों, सारे ग्वाल वाल जो हैं गांव को चराने के लिए चले जाएंगे, और ग्वाल सब गाय चरे हों और ग्वाल वाल सब गांव को चराने के लिए चले जाएंगे, मैं घर बैठे रहूं, और यदि मैं सो गया तो क्या होगा, मैं घर पर ही बैठा रह जाऊंगा, क्या होगा, मैं घर पर ही बैठा रह जाऊंगा। तो और ग्वाल सब गाय चरे हों, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब रात जान में रहो। यशोदा माता जी में भगवान कृष्ण से कहती है, अपने अधूर का बेटा है कृष्ण कान्हा, उससे कहती है कि बेटा तुम सो जाओ, बेटा क्या करो, सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा भगवान कृष्ण से कहती है कि बेटा तुम सो जाओ, प्रात जान मैं देहूँ, प्रातः होने पर सवेरा होने पर मैं तुम्हें अवश्य ही जाने दूंगी, सवेरा हो जाने पर मैं तुम्हें अवश्य जाने दूंगी। ठीक है, तो इसमें जब लिखते हैं ना काव्यगत सौंदर्य, लिख लेंगे काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, सबसे पहले बाल दशा का, बाल स्वभाव का वर्णन किया गया है। बाल स्वभाव का वर्णन किया गया है। नंबर दो, भाषा ब्रज साहित्य खड़ी बोली,
भाषा साहित्य खड़ी बोली है। नंबर 3 रस लिखेंगे, भक्ति रस, रस आ गया भक्ति रस। और आ गया नंबर 4 में लिखेंगे शैली, यहाँ पर लिख देंगे शैली, नंबर 4 लिख देंगे शैली मुक्तक, शैली आएगी मुक्तक शैली, ठीक है। तो मैं अपनी सब गाय चरहे हूँ, मतलब क्या होता है चरहे हूँ, मतलब क्या होता है मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए जाऊँगा। तो इसमें बाल स्वभाव का वर्णन किया गया। अच्छा, बच्चे जो होते हैं माँ अपनी मम्मी से ऐसे कहते हैं। तो भाषा ब्रज साहित्य खड़ी बोली, रस भक्ति रस है और शैली है मुक्तक, ठीक। मतलब इसमें बाल स्वभाव का वर्णन किया गया, मतलब बाल दशा का वर्णन किया गया है। मैं अपनी सब गाय चरे, ठीक। अब इसके बाद में आता है सखेरी, सखेरी मुरली लीजे चूर, सखीरी मुरली लीजे चूर, मुरली लीजे चूर, ठीक। देखिए लिखा है सखीरी मुरली लीजे चूर, मतलब जब सखियां जो होती हैं भगवान कृष्ण जो हैं तो उनके लिए कहती हैं, आज सखियां जो हैं आपस में एक दूसरे से बात करती हैं और कहती हैं कि भगवान क्या करें, हे सखी मुरली लीजिए चोरी, भगवान कृष्ण की हम मुरली हमें चुरा लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण की मुरली जो है, जिसको ये बंसी बजा करके लोगों को मतलब छपमन बहलाया करते हैं, लोगों को परिज्ञान करते हैं, तो क्या करते हैं ये इनकी मुरली चुरा लेनी चाहिए। तो जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीत सवन की तोरी, प्रीत सवन की तोरी, कहते जिन गोपाल की ने अपने बस, मतलब सखीरी मुरली लीजे चोरी, कहते हैं हे सखी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी भगवान कृष्ण की मुरली चुरा लेनी चाहिए। इस मुरली ने क्या किया है, इस मुरली ने भगवान कृष्ण को गोपाल को अपने बस में कर लिया है। जिन जिन माने मुरली ने, जिन मीन्स क्या होता है मुरली ने गोपाल को किन्हें अपने बस, मुरली ने भगवान कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। मुरली ने क्या किया है, मुरली ने भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। प्रीति सवन की तोरी, और क्या किया गया, और उन्होंने सबसे अपनी प्रीति, सबसे अपने प्रेम को तोड़ लिया है। छिन एक घर भीतर निसिबासर धरत न कभू छोरी, भगवान कृष्ण क्या करते हैं एक क्षण, मतलब एक क्षण भी ना घर में ना बाहर ना दिन में ना रात में कभी भी धरत ना कभू छोरी, इसको कभी भी अपने से अलग नहीं करते हैं, अपने साथ ही लगा फिरते हैं, इन उसको अपने साथ ही लिए फिरते हैं। तो क्या करें कभू कर, कभी इसको अपने कर माने होता है हाँ, कभी इसको अपने हाथ में पकड़ते हैं, कभू अधरिन, और कभी इसको अधर मीन्स होता है होंठ, अधर मीन्स क्या होता है होंठ, कभी इसको अपने होंठों से लगाते हैं। कटी कभू, कटी मीन्स होता है कमर, कभी इसको अपने कमर में खोस लेते हैं, और कबहू कटी कबहू खोसत जोड़ी, और कभी इसको अपनी कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कुछ मेली मोहनी राखे अंगन बोली, सखी कहती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि भगवान कृष्ण का और मुरली का क्या जोड़ है, भगवान कृष्ण का और मुरली का क्या जोड़ है, क्या मेल है इनका। राखे अंगन बोली, ये जो मुरली को अपने मतलब पूरे शरीर से ही लगाए रहते हैं, पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग में ही लगाए रहते हैं। सूरदास जी कहते हैं प्रभु की मन सजनी बध्यो राग की डोरी, सूरदास जी कहते हैं प्रभु की मन सजनी बध्यो राग की डोरी, मतलब जो बांसुरी है भगवान उसने, मतलब सूरदास जी कहते हैं कि मुरली ने भगवान कृष्ण को अपने राग की डोरी से, मतलब अपने प्रेम की डोरी से उनको बांध रखा, प्रेम के डोरी से उनको बांध रखा। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है वियोग श्रृंगार, इसमें आता है
वियोग श्रृंगार, जिसमें उसमें भक्ति रस आता है तो इसमें आता है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार तो है लेकिन कैसा है? वियोग श्रृंगार। फिर से देखिएगा, सखी री मुरली लीजे जो, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है? हे सखी भगवान कृष्ण की मुरली चुरा लेनी चाहिए, भगवान कृष्ण की मुरली चुरा लेनी चाहिए। क्यों? जिनी गोपाल की ने अपने बस मुरली ने भगवान कृष्ण को, जिनी गोपाल जिस मुरली ने भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, अपने वश में कर लिया है, प्रीति समन की तोड़ी और उसने, और उन्होंने सबसे अपनी प्रीति तोड़ ली है, सबसे प्रीति तोड़ ली है और भगवान मुरली ने भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निसी बासर धरत न कबहू छोरी छेरी। तो कहते हैं प्रातः समय, शाम के समय, रात हो, दिन हो, घर हो, बाहर हो, कहीं कभी भी उस मुरली को ये अपने से अलग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? कबहू कर, उसको कभी अपने हाथ में लेते हैं, कबहू कर, कर माने होता है हाथ, कभी उसको अपने हाथ में लेते हैं, कबहू अधरन, और कभी होठों पे लगाते हैं, और कभी कटी कबहू खोसत, कटी मीन्स होता है कमर, और कभी उसको कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कुछ मेली मोहनी, सखी जो है दूसरी सखी से मतलब दुखी होती हुई कहती है कि ना जाने मतलब मुरली का और भगवान कृष्ण का क्या मेल है, क्या मेली मोहनी जो उन्होंने मोहनी मोहनी डाल करके उनको अपने वश में कर रखा है। राखे अंग अंग छोरी, राखे अंग अंग भोरी, और उनको वो अपने प्रत्येक अंग से लगाए रहते हैं। सूरदास जी कहते हैं प्रभु की मन सजनी बांध्यो रागी की डोरी, मुरली ने उसको अपनी राग की डोरी से भगवान कृष्ण को बांध रखा है, राग की डोरी से भगवान कृष्ण को बांध रखा है। अब इसमें देखिएगा, इसमें भी यही आता है सिखरी मुरली लीजे चोरी। नंबर एक क्या है? पहला क्या है? सखी री मुरली लीजे चोरी, मतलब गोपियां जो है गोपियों की विरह अवस्था का वर्णन। विरह अवस्था का वर्णन दिया गया है, ठीक। नंबर टू, नंबर टू में क्या आएगा? भाषा ब्रह, ठीक। और नंबर तीन में आएगा रस, क्या आएगा? वियोग श्रृंगार, रस आएगा वियोग, दुखी है बहुत। और उसके बाद में आएगा शैली मुक्ता, ठीक। और आ जाएगा शैली, क्योंकि आ जाएगी मुक्तक शैली आ जाएगी, ठीक है। शैली कौन सी आएगी इनकी? मुक्तक, मुक्तक शैली आ जाएगी, ठीक। अब देखिएगा, उधो नेक्स्ट है, उधो मोही ब्रज विसरत नाही आएगा, नेक्स्ट आएगा उधो मोही ब्रज विसरत नाही। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उधो मोही ब्रज विसरत नहीं, ठीक। देखिएगा लिखा है उधो मोही ब्रज विसरत नहीं, वृंदावन गोकुल, वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाई, रात समय माता दशमती अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जदुता। तो देखिएगा इसमें उद्धव जो है, उद्धव ने मथुरा पहुंच करके श्री कृष्ण की माँ की सारी स्थिति जो थी बताई श्री कृष्ण को, मतलब प्रस्तुत पद में उद्धव ने क्या किया? मथुरा पहुंचा, उद्धव जी आए हुए थे ना,
उद्धव ने मथुरा पहुँच करके वहाँ की व्रत की जो सारी स्थिति थी, मतलब गोपियों के, श्री कृष्ण को वहाँ की जा करके सारी स्थिति बता दी, जिसे सुनकर के श्री कृष्ण जो थे कैसे हो गए, भाव विभोर हो गए, और इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। मतलब भगवान जो वो हैं, भगवान कृष्ण ने, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था ना, भगवान कृष्ण ने कहा था कि हम 15 दिनों के बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए, वो वापस आए नहीं। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए उनको वहाँ पर भेजा था ना। तो वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर मतलब और क्या करते हैं, वे वहाँ पर जाकर के गोपियों की इतनी मतलब इतनी व्यथा सुनते हैं और उनका वहाँ पर सारा ही जो वो उपदेश देने आते हैं सब धरा का धरा रह जाता है। और अब इसके बाद में उद्धव मतलब मथुरा पहुँचते हैं। मथुरा पहुँच करके भगवान श्री कृष्ण को जा करके वहाँ की सारी व्यथा सुनाते हैं, मतलब सारी उनकी मतलब व्यथा सुनाते हैं, जिसे सुन करके श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं। इस पर वे उद्धव को अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। जब वहाँ की बातें सुनते हैं तो वे मतलब भाव विभोर हो जाना मतलब होता है खुश, मतलब एकदम से उनके भावों का उमड़ आना, जो वहाँ उन्होंने मथुरा में बिताए थे, मथुरा से व्रत आए थे ना, मथुरा में जो उन्होंने बिताए थे, तो उसे सुन करके उनका मन जो है भाव विभोर हो जाता है और वे अपनी मनोदशा को व्यक्त करते हैं। तो कहते हैं उद्धव मुझे मोहि ब्रज विसरत नहीं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं। तो मथुरा पहुंचते हैं, मतलब ब्रज से वो जब मथुरा पहुंचते हैं तो उसका वर्णन किया गया है। तो देखिएगा एक बार फिर से समझ लीजिएगा प्रसंग क्या लिखेंगे हम लोग। प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा पहुँच करके उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति का ज्ञान करा दिया, ठीक है, जिसे सुन करके श्री कृष्ण जो थे भाव विभोर हो गए और इस पर वे उद्धव को अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहीं, हे उद्धव मुझे ब्रज की याद जो है, मुझे ब्रजवासियों की याद जो है, मतलब मुझे उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं, हे उद्धव मोहि ब्रज, मुझे ब्रज की जो याद है कभी भी भूलती नहीं है, ब्रज की याद जो है कभी भी भूलती नहीं। वृंदावन गोकुल वन उपन सघन कुंज की छाई, कहते वृंदावन का क्या गोकुल और वन और बगीचे और सघन कुंज और पेड़ों की घनी घनी छाया, और पेड़ों की घनी घनी जो छाया है वो क्या करते हैं, घनी छाया मुझे सब कुछ याद आते रहते हैं। सघन कुंज की छाई प्रात समय माता दशमत सवेरा होते ही, सब माता मेरी यशोदा माता क्या करती थी, माता दशमतु अरुनंद देख सुपावत, क्या करती थी मतलब रात प्रातः होते ही मेरी माता यशोदा जो थी और नंद बाबा मुझे देख करके सुख का बहुत अनुभव करते थे, मतलब नंद बाबा देख मैया को देख बहुत सुख मिलता था, मतलब नंद और यशोदा मैया को देख करके माँ दिखे प्रात समय माता दशमतु और नंद देख सुख पावत, प्रातः समय होते ही माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके मुझे बड़ा ही सुख प्राप्त होता था। माखन रोटी दही सजायो अतिहित सात खबावत, और वह मुझे क्या करती थी, वह मुझे जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे, माखन रोटी खिलाते थे, माखन रोटी दही सजायो, मक्खन और रोटी और जमाया हुआ बढ़िया सा दही अतिहित सात खबावत मतलब बड़े ही प्रेम के साथ, हित के साथ में हमको खिलाते थे। ब्रज की गोपियाँ खिलाते थे, माँ गोपी ग्वाल वाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, और हम गोपी और ग्वालों वालों के साथ में सारा दिन खेलते रहते थे, सब दिन मतलब सभी दिन खेलते रहते थे, हंसते थे और हम लोग सिरात मतलब नाराज भी हो जाया करते थे। सूरदास जी कहते हैं धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं ब्रजवासियों का बहुत बड़ा भाग्य है, ब्रजवासियों को बहुत धन्य मानते हैं, कहते हैं मतलब ब्रजवासियों का बहुत बड़ा भाग्य है
उनके भाग्य की वो मतलब सराहना करते हैं और कहते हैं कि धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुता, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता रहती है। किनको? क्योंकि मतलब सूरदास जो हैं, सूरदास जी जो हैं ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं। लिखा है सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं, उनके मतलब भाग्य की सराहना करते हैं। क्योंकि और श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण इनकी मतलब श्री कृष्ण को जिनको जिनसो हित जद उतार, भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनके हित की, श्री कृष्ण को उनकी हित की चिंता बहुत रहती है और ब्रजवासियों का वे प्रतिक्षण ध्यान रखते हैं, और ब्रजवासियों का वे प्रतिक्षण ध्यान रखते हैं। फिर से देखिएगा, लिखा है उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहीं। श्री कृष्ण ने उद्धव की मतलब जब श्री कृष्ण ने जब उद्धव की बातें सुनी तो वो भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं हे उद्धव मुझसे क्या होता है, मोहि मुझसे ब्रज की याद जो है एक मिनट भी मुझे नहीं भूलती है, मुझे ब्रज की याद जो है एक मिनट के लिए भी नहीं भूलती है। क्या वृंदावन गोकुल वन उपन सगंध कुंज की छाई, वृंदावन गोकुल वन और बगीचे और घने पेड़ों की छाया मुझे एक मिनट के लिए भी नहीं भूलती है। प्रात समय माता दशमत और नंद देख सुखपावत, मैं सवेरा होते ही माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके सुख पाता था। नंद बाबा को देख करके मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे रह रह कर के स्मरण होता हुआ आता है, मतलब उनसे जो हमें सुख प्राप्त होता था वह मुझे रह रह करके याद आता है। तो प्रात समय माता दशमती और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही से, माखन और रोटी और फर्स्ट क्लास दही जमा हुआ दही और अतिहित साथ खवावत, जो प्रेम के साथ में, जो प्रेम के साथ में उन्हें वो खिलाया करते थे, जो उन प्रेम के साथ में खिलाया करते थे। गोपी ग्वाल वाल संग खेलत, और मैं गोपी गोपियों के साथ में ग्वाल वालों के साथ में सारा दिन खेलता रहता था और क्या करता था, संग सब दिन हंसत, सारा दिन हंसना सिरात और सारा दिन हंसना खेलना और नाराज हो जाना, ये सारी बातें हमें बहुत याद आती हैं, बहुत याद आती हैं। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासियों का बहुत बड़ा भाग्य है, या ब्रजवासियों के भाग्य की वो सराहना करते हुए कहते हैं कि जिनसो हित जद उतार, जिनसे भगवान ईश्वर जो हैं मतलब जिनकी भगवान कृष्ण इतनी चिंता किया करते हैं, जिनकी भगवान कृष्ण उनके हित की चिंता करते हैं, और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों का प्रतिक्षण, श्री कृष्ण जो है ब्रजवासियों का प्रतिक्षण ध्यान बहुत रखते हैं, प्रतिक्षण ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में इसका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। देखिए काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। नंबर वन भाषा सहज और सरल, ठीक है, भाषा सहज और सरल है। नंबर टू मुक्तक शैली है। नंबर थ्री देखिएगा, रुकिए एक मैं, नंबर थ्री में लिख देंगे हम लोग रस श्रृंगार है और छंद के पर, रस यहाँ पर लिख देंगे श्रृंगार, श्रृंगार। नंबर चार छंद, छंद क्या है गेय पद, छंद आ जाएगा गेय पद। नंबर फाइव में लिख देंगे शब्द शक्ति, शब्द शक्ति में लिखेंगे अमिधा, अमिधा और लक्षणा, अमिधा और लक्षणा। बस आप इतना ही लिखते चलिएगा, जैसे उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहीं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे भाषा सहज और सरल है, नंबर टू मुक्तक शैली है, रस श्रृंगार है, छंद गेय पद है और शब्द शक्ति है अमिधा और लक्षणा, अमिधा और लक्षणा। शैली मुक्तक है और अमिधा और लक्षणा, मतलब अमिधा अमिधा और लक्षणा, ठीक ठीक है। अब ये जो चारों मतलब मैंने पांचों बताए हैं, पांच को मतलब बता दिए मैंने आपको, ठीक है, तो आप इन पांचों को आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे।
ठीक है, और उसके साथ में उनका काव्यगत सौंदर्य जो है जरूर लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिना काव्यगत सौंदर्य के ये जो है ना ये अधूरा हो जाएगा। इसके नंबर काव्यगत सौंदर्य लिखा है उसमें तो काव्यगत सौंदर्य के नंबर कट जाएंगे। पहले उद्धव मोहि बृजेश्वर नाई आप पूरा लिखिएगा, उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पर उसका प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ तो एक ही बार लिखना है, अब उसके बाद इसका प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग के बाद में का मतलब व्याख्या, और व्याख्या के बाद में आता है काव्यगत सौंदर्य, व्याख्या के बाद में आता है काव्यगत सौंदर्य, ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट लिखा है उद्धव मन न भये दस बीस, उद्धव मन न भये दस बीस, उद्धव मन न भये दस बीस, एक हुतु सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश, इंद्री शिथिल पड़ी केशव बिनु, इंद्री शिथिल पड़ी केशव बिनु, नहीं देही बिन शीस, आशा लागी रहित तन स्वासा जीव ही कोटि बरीस, तुम ओ सखा श्याम सुंदर के शोक सकल जोग के ईस, सूर हमारो नंद नंदन बिंदु और नहीं जगदीश। देखिए लिखा है उद्धव मन न भये दस बीस, उद्धव देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग उद्धव उद्धव मन न भये दस बीस, ठीक है, उद्धव मन न भये दस बीस, उद्धव मन न भये दस बीस। तो इसमें सबसे पहले प्रसंग में क्या लिखते हैं हम लोग, ये जो पद है भ्रमर गीत से लिया गया है, भ्रमर गीत का एक अंश है श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, ठीक है ना, श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां जो हैं बहुत अधिक व्याकुल हो गई हैं, और उद्धव जो गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं, गोपियों की योग की शिक्षा ग्रहण करने में भी अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त कर देती हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे उद्धव मन न भये दस बीस, मन न भये दस बीस का क्या मतलब होता है, देखिए वही बात है कि भगवान जब उद्धव जो हैं मतलब गोपियाँ को मतलब गोपियाँ जो है बहुत श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत व्याकुल हैं, उद्धव जो है गोपियों को योग का संदेशा देने के लिए आए हैं, गोपियों को योग का संदेशा देने के लिए आए हैं, और योग का संदेशा देने के लिए आए हैं, और गोपियां जो है योग के संदेशों को धारण करना नहीं चाहती, वो उसे क्या कह जाती हैं, वो उसे एक रोग बताती हैं और उनको और उनसे कहती हैं तो और उनसे कहती हैं कि मतलब गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बता देती हैं कि मैं हम योग की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो वो कह तो उसी और अपने मन की व्यथा को वो व्यक्त करती है, क्योंकि कहती हैं उद्धव मन न भये दस बीस, उधे उद्धव हमारे पास कोई दस बीस मन नहीं है, हमारे पास कोई दस बीस मन नहीं है, क्या दस बीस मन नहीं है, क्यों, एक हुतो सो गयो श्याम, मैं हमारे पास एक अपना मन था, हमारे पास एक मन था जो कहाँ चला गया, मन एक हुतो सो, एक हमारे पास मन था गयो श्याम संग, जो श्याम के साथ में चला गया, जो भगवान कृष्ण के साथ चला गया, मतलब भगवान कृष्ण के साथ ही चला गया, ठीक है, मतलब एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश, तो एक हमारे पास मन था वो तो श्री कृष्ण के पास चला गया, वो श्री कृष्ण के पास चला गया, अब हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना हम कैसे करें बताइए, जब हमारे पास मन ही नहीं है तो हम तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण मन की निर्गुण भगवान की आराधना कैसे करें बताइए, तो को अवराधे ईश, तो तुम्हारे द्वारा बताए गए ईश्वर की आराधना कैसे करें, इंद्री शिथिल भई केशव बिन, केशव बिन मतलब केशव जो होता है भगवान का नाम होता है, तो कहते हैं भगवान कृष्ण के बिना, भगवान कृष्ण के बिना भी हमारी सारी इंद्रियां भी शिथिल पड़ गई हैं, शिथिल मतलब जैसे होता है थकावट वाली हो गई हैं, थक गई हैं, तो केशव बिन ज्यो देही बिन शीश, जिस प्रकार से बिना शीश के जो धड़ होता है, देही बिन शीश मतलब देह में यदि शरीर को अलग कर मतलब देह में शीश को अलग कर दिया जाए तो इस प्रकार से मतलब हो गया प्रतीत होता है, कहते हैं कि हम कृष्ण के बिना मतलब इस प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो चुकी हैं और हमारी दशा बिन सिर, हमारी दशा जो है बिन धड़ के वाली जैसी हो गई है, बिना धड़ के
मतलब सिर है या धड़ नहीं है, तो वही लिखा है। देखिए प्रात लिखा है इंद्री शिथिल भई केशव बिन, भगवान कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ज्यो देही बिन शीश, बिना धड़ के, जिस प्रकार से बिना धड़ के सिर। आशा लाग रहित तन स्वासा जीव ही कोटि परेश, आशा लाग रहित तन स्वासा, जो हमसे वो आने का संदेशा दे गए थे कि हम 15 दिन के बाद में आएंगे, तो आशा रहित, तो एक आशा बनी हुई थी कि वो यहाँ पर आएंगे। इस तन स्वासा मतलब ये तन में जो श्वास कैसे चल रहे थे, उनकी आशा के लिए कि वो कभी वापस आएंगे, वो कभी वापस आएंगे। तो जीव ही कोट बरिज, फिर भी वो कहती हैं वो जहाँ पर भी रहें, हे भगवान हे ईश्वर, वो करोड़ों वर्षों तक जीवित रहें। मतलब आशा लागी रहित तन स्वासा, वो उनको कह के गए थे कि हम 15 दिन बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए। लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि हमें एक आशा थी कि वो हमारे लिए वापस आएंगे, हमारे शरीर में एक आस बनी हुई थी, आज नहीं वो कल, कल नहीं परसों वापस जरूर आएंगे। लेकिन जीव ही कोटि बरिस, लेकिन वो जहाँ पर भी रहें, फिर भी वे अपने मन को सांत्वना देती हुई कहती हैं, धीरे देती हुई कहती हैं कि भग ये कि मतलब जीव ही कोटि बरिस, वो करोड़ों वर्षों तक जीवित रहें, वे करोड़ों वर्षों तक जीवित रहें। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, हे उद्धव तुम श्री कृष्ण के सखा हो, श्री कृष्ण के सखा हो सकल जोग के ईश, और तुम निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने तो और तुम निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, गोपियाँ लास्ट में कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि हमारे नंद नंदन बिन, हमारे नंद नंदन बिन मतलब नंद के नंदन मतलब भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, हमारा और कोई भी परमात्मा, और हमारा कोई भी परमात्मा नहीं है, मतलब को हमारा कोई भी आराध्य नहीं है, हमारा कोई भी आराध्य नहीं है, हम तो क्या है, हम तो उन्हीं की ही परम उपासिका है, हम तो उन्हीं की ही परम उपासिका है। देखिएगा लिखा है उद्धव मन न भये 10-20, गोपियाँ जो हैं उद्धव से कहती हैं हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, क्यों, एक हो तो सो गई श्याम, मेरे पास एक ही मन था जो भगवान कृष्ण के साथ चला गया, भगवान कृष्ण के पास चला गया। को अवराधेश, अब जो तुम निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए यहाँ पर आए हो, हम उसकी आराधना कैसे करें, को अवराधेश उस प्रभु की आराधना हम कैसे करें। तो इंद्री शिथिल भई केशव बिन, भगवान कृष्ण के बिना, केशव भगवान का ही नाम होता है ना, तो भगवान कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियाँ कैसी हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं। शिथिल मतलब क्या होता है, जो काम करने लायक नहीं रहती हैं, सबने थकावट आ गई है, कुछ काम करने नहीं होता है। तो इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, केशव के बिना, भगवान कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं, जो देही बिन शीश, जिस प्रकार से बिना धड़के शीश, धड़ के बिना, धड़ तो है शीश नहीं है, ज्यो देही बिन शीश मतलब शीश के बिना धड़, ठीक है। तो आशा लाग रहित तन स्वासा, भगवान कृष्ण आने का जो वो आस लगा करके गए थे, तो हमारे अंदर ये एक आशा बनी हुई थी कि वो वापिस आएंगे, लेकिन फिर भी वो अपने मन को सांत्वना देती हुई, धैर्य देती हुई कहती है कि वो जहाँ पर भी रहें, जीव ही कोटि बरिस, वो करोड़ों वर्षों तक जीवित रहें, करोड़ों वर्षों तक जीवित रहें। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, और तुम श्याम सुंदर के सखा हो, और तुम सबको क्या करते हो, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हो। सूर हमारे नंदनंदन में, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उनको कहती हैं कि सूरदाहे, सूर हमारे नंदनंदन में, नंद के नंद था भगवान कृष्ण के बिना मेरा और नहीं जगदीश, मेरा हमारा कोई भी आराध्य नहीं है, हम भगवान कृष्ण की ही अनन्य उपासिका हैं, हम भगवान कृष्ण की ही आराधना मतलब भगवान कृष्ण की ही आराधना करती हैं, और हम उन्हीं की अनन्य उपासिका हैं, ठीक है, हम उनकी ही अनन्य उपासिका हैं। अब देखिएगा, अब इसमें लिखते हैं भाषा, भाषा में लिख देंगे, पहले आएगा ब्रज, सरस सरल खड़ी बोली, खड़ी बोली लिख देंगे। अच्छा नंबर टू में लिख देते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, सखा श्याम सुंदर के, है ना, तो श्लेष शैली क्या है, शैली मुक्तक शैली है, लिख देंगे शैली मुक्तक शैली, और यहाँ पे लिख देंगे अलंकार
अलंकार आएगा अनुप्रास, अनुप्रास और श्लेष। ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा। पहले भाषा ब्रज सरस सरल खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, अलंकार अनुप्रास और श्लेष अलंकार। इसमें गोपियों की, इसमें किसका वर्णन किया गया है, गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया गया है। और नंबर चार में लिख देंगे हम लोग, नंबर थ्री ये हो जाएगा और नंबर चार में आएगा विरह दशा का वर्णन, विरह दशा का वर्णन किया गया है, मतलब गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया गया। उदो मन न भये दस बीस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी उदो मोही व्रत विसरतना है, आप इनको समझ समझ लीजिएगा, इसको कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा बेटा। ठीक है, और बाकी ओके बेटा, थैंक यू।